तो दोस्त, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉपर सैलरी नहीं आ रही, यानी कि आपको पर मंथ सैलरी नहीं आ रही, तो उस केस में क्या करना चाहिए, हम उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कई बार कंपनी से आपको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही होती है, हो सकता है वो कंपनी कोई एक्वायर कर रहा हो सकता है वो कंपनी का बजट ना हो, या हो सकता है कंपनी में उतनी अर्निंग्स नहीं हो रही जिससे एम्प्लॉय की सैलरी दी जाए। तो इसमें कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी आपको प्रॉपर सैलरी नहीं दे रही, तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि आप कंपनी स्विच कर सकते हो, आप दूसरी जॉब पे मूव हो सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एक स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं या छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे 50 एम्प्लॉय 100 एम्प्लॉय, तो कई बार वहाँ पे ये कंडीशन भी हो जाती है कि आपको हो सकता है 1 महीने की सैलरी नहीं मिल रही, आपको 2 महीने की सैलरी नहीं मिल रही, कई बार इन इन बिटवीन आपके 12 मंथ्स में। तो क्या होता है कि आप उतना एडजस्ट कर सकते हो, उतना कंपनी के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद अगर आपको प्रॉपर कंटिन्यू सैलरी मिल रही है हर एक मंथ की, या एवरी मंथ आपको सैलरी अगर मिल रही है वहाँ पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप नहीं चाहते उस कंपनी को मत छोड़ो, आप उस कंपनी को लीव मत करो। क्योंकि कंपनीज में देखो अप्स डाउन आते हैं, एंड इसके बाद आप दूसरी कंपनी में जाओगे, और वो भी एक अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो क्या गारंटी है कि वहाँ पे आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी या पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी एक स्मॉल स्टार्टअप से मूव हो रहे हो जहाँ पे आपका पीएफ वगैरह में भी कट रहा है, या आपका बैंक स्टेटमेंट है आपका, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको पर मंथ प्रॉपर सैलरी चाहिए, तो आप एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करो, वो चाहे एचसीएल हो, विप्रो हो, आईबीएम हो, टेक महिंद्रा हो, टीसीएस हो, कोई सा भी एक बड़ा ब्रांड ज्वाइन करो। वहाँ पे कभी भी आपको सैलरी डिले नहीं मिलेगी, कभी आपको सैलरी लेट नहीं मिलेगी। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी सैलरी एक को ट्रांसफ़र होनी है, तो हो सकता है 31 को हो जाए मंथ में, या 30 को हो जाए, या 1 को आ जाए, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर सैलरी मिलने वाली है। बट अगर आपको लग रहा है कि 1-2 महीने में कभी ये होता है, तो उतना आप अफोर्ड कर सकते हो, उतना आप देख सकते हो कंपनी में। बट अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, हर महीने सैलरी आपकी लेट हो रही है, हर महीने इन द सेंस कि कभी आपकी 7 को आ रही, कभी 15 को आ रही, कभी 18 को, कभी 20 को, और उसमें भी 1 महीने होल्ड हो जा रही, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिर आपको वो कंपनी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पे प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती है, तो वहाँ पे जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाते हैं, और आप डेट में फंस जाते हो, या फाइनेंशियल थोड़ा सा आप लूज हो जाते हो वहाँ पे। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।